तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर का हलवा, जिसके लिए हमने 1 केजी मटर को ग्राइंडर में पीस लिया था। 1 ग्लास दूध हमें चाहिए, 50 ग्राम चीनी और कुछ नट्स हमें चाहिए और थोड़ा सा घी। तो अब हम अपने हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैन में डालना है घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अपनी मटर। और इसे धीमी गैस पर हमें अच्छे से भूनना है। और इस तरह से लगातार चलाते हुए मटर को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दूध। और जब तक दूध एकदम अच्छी तरह से सूख नहीं जाता, तब तक हम इसे पकने देंगे धीमी गैस पर। आप देख सकते हो दूध जो है काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। और जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे धीमी गैस पे पकने देंगे। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी वो पानी छोड़ेगी, तो हमें अच्छे से इसको पकाना है ताकि सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब देख सकते हैं जैसे चीनी मेल्ट हुई है, हलवा हमारा काफ़ी गीला हो गया है, तो अभी हम इसे और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे हलवे का टेक्सचर एकदम अच्छे से थिक हो गया है। हमारा हलवा बन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।